सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोड्यूट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवेश शरवाल, आप देख रहे हैं टेक्नोड्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने एंड्रॉइड फोन में यूज नहीं करनी चाहिए या उन्हें इंस्टॉल करके अपने फोन की स्पीड स्लो कर सकते हैं। अब हमारे इंडिया में इतने सारे एंड्रॉइड यूजर्स हैं जो अपने काम को आसान बनाने के लिए एक ऐसे डिफरेंट टाइप्स के ऐप यूज करना चालू कर देते हैं जिससे उनको पता तक नहीं लगता कि उनकी फोन की स्पीड स्लो हो गई है, उनके फोन में बहुत ज्यादा स्पेस ले रही है वो सारी चीजें जो वो यूज कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हमारे आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। .apk फाइल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके फोन को एक तरीके से हार्म पहुंचाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने फोन में एक सी क्लीनर यूज कर रखा है या फिर वो लोग अपने फोन्स में एंटीवायरस यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, फ्लैश लाइट के लिए आपके फोन में इनबिल्ट फीचर है उसके बावजूद फ्लैश लाइट का अलग से एक टॉर्च ऐप यूज करते हैं, अपने फोन में लॉन्चर यूज करते हैं, अपने फोन्स में और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की APK फाइल्स डाउनलोड करते हैं जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं, कुछ गेम्स हैं जिन्हें आप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं और उन्हें फिर दूसरी वेबसाइट्स पे जाते हैं गूगल पे और उन वनरेबल वेबसाइट से वो गेम डाउनलोड करते हैं और APK फाइल इंस्टॉल करने के बाद में उनकी फ़ोन के अंदर मालवेयर, वायरसेस और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ऐसे वायरसेस फ़ोन में एंटर कर जाते हैं जिससे फ़ोन की स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है और फ़ोन बहुत धीरे काम करने लगता है। फिर आपको लगता है कि मेरा फ़ोन स्लो हो गया है, मेरे फ़ोन में इतना पावर नहीं बची है, अब आपका स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं वो सारी चीज़ें। तो आप अपने फ़ोन्स को अच्छी तरीके से यूज़ करें, ऐसी किसी भी तरीके की कोई भी उसमें ऐप इंस्टॉल ना करें जिससे आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस डाउन हो। सबसे पहले तो आप सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर से ही परमिटेड इंस्टॉल्ड ऐप यूज़ करें। ऐसी कोई भी ऐप यूज़ ना करें जो आपके फ़ोन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन नहीं है। जस्ट सपोज कोई गेम या फिर कोई ऐसी ऐप जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, अगर वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है तो उसे आप एक ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट से और इंस्टॉल कीजिए जिससे आपके फ़ोन को हार्म ना पहुँचे। और अपने फ़ोन्स में ऐसे किसी भी छोटे से छोटी चीज़ के लिए थर्ड पार्टी ऐप्स ना यूज़ करें, जस्ट लाइक ट्रू कॉलर, UC ब्राउज़र और इसके अलावा सी क्लीनर है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के जो भी रॉकेट बूस्टर आप लोग यूज़ करते हैं, बैटरी ड्रेनिंग ऐप्स हैं जो आपको फ़ोन में शो करता है कि आप इसे ऑप्टिमाइज़ कर लीजिए तो आपकी बैटरी की इतनी पावर वो आपकी इंक्रीज़ कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बैटरी आपके फ़ोन में जितनी MAH की बैटरी आएगी वो उसके बेसिस पे ही काम करेगी और आप उन ऐप्स को डाल के अपने फ़ोन की बैटरी की पावर भी कम कर रहे हैं। ऐसे ही आप जो भी आपका फ़ोन, जैसा भी आपका फ़ोन आता है नॉर्मल, उसके नॉर्मल UI को आप यूज़ कीजिए। आप लॉन्चर यूज़ कर सकते हैं पर बाहर के ऐप्स बिल्कुल यूज़ ना करें, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, UC ब्राउज़र, सी क्लीनर, रॉकेट बैटरी यूज़र, बैटरी ड्रेनिंग ऐप्स, एंटीवायरस। एंड्रॉयड फ़ोन को कभी भी एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि एंड्रॉयड खुद ही एक एंटीवायरस की तरीके से परफॉर्म करता है। क्योंकि आप जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं वो प्ले स्टोर से आप यूज़ करेंगे और प्ले स्टोर पहले से ही गूगल पे प्रोटेक्ट पे वर्क करता है। गूगल जो भी ऐप्स अभी प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं वो सारे ऑलरेडी प्रोटेक्टेड ऐप हैं, तो आपको उनके लिए टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आप जो भी ऐप यूज़ करना चाहते हैं आराम से यूज़ कर सकते हैं। और अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए आप कहीं से भी किसी भी साइट से कुछ भी चीज़ डाउनलोड ना करें, ऑथेंटिकेटेड साइट से ही डाउनलोड करें। और अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उनकी हिस्ट्री को क्लियर करके रखें और अलग से फाइल्स को हटाने के लिए या फाइल्स को रिमूव करने के लिए कोई भी अलग से ऐप सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्पेशली फाइल्स को रिमूव करने के लिए किसी ऐप को यूज़ करना चाहते हैं तो गूगल की तरफ से एक फाइल्स को नाम का एक ऐप आता है जिसे आप यूज़ करके अपनी अनवांटेड फाइल्स को और टेम्प्रेरी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें क्योंकि इस वीडियो के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के टाइम में हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं पर उनको पता तक नहीं है कि अपने फ़ोन्स को किस तरीके से वो लोग उनकी परफॉर्मेंस डाउन कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।